नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आसिफ खान। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौगांव में हुई महापंचायत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। लोगों ने मनाई गुरु नानक जयंती, भगत सिंह कॉलोनी गुरुद्वारे में चला लंगर। तिजारा मंदिर में हुई मूर्ति स्थापना, स्थापना के बाद हुआ विशाल भंडारा। अब खबरें विस्तार से। टपुगड़ा के आर्य प्रकरण में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नौगांव की महापंचायत में शरीक हुए। महापंचायत में आसपास के क्षेत्र काफी लोग इकट्ठे हुए। 20 अक्टूबर को हुए आरिफ गोलीकांड में ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। आरिफ के परिजनों से मिलने के लिए रोजाना कोई ना कोई नेता जरूर जाता है, लेकिन 16 दिन बीत जाने पर भी आरिफ के परिवार वालों को न्याय नहीं दिला पाए। उल्टा पुलिस ने परिवार वालों के खिलाफ इस्तगासा पेश की है। आरिफ को न्याय दिलाने के लिए 6 नवम्बर को नौगांव में महापंचायत रखी गयी, जिसमे राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे। वह पुलिस के द्वारा किए गए गोलीकांड की कड़ी निंदा की। वह आरिफ के परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। महापंचायत में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने एक लाल डायरी खोल ली है और जो अफसर जनता को नाजायज परेशान करते हैं उसका नाम मैंने अपनी डायरी में मोटे अक्षरों में लिख लिया है। लगेगा और उसके बाद उनका क्या होने वाला है वो फिर आप जानोगे और हम जानेंगे। वह 4 साल बाद जब हमारी सरकार होगी तो मैं उनका क्या हाल करूंगा आप समझ सकते हैं। अशोक गहलोत सीधा आरिफ की मां व भाई से मिले, वह पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उधर महापंचायत में लगाए गए टेंट को देखकर आरिफ की मां भावुक होकर बोली कि ऐसा ही टेंट आरिफ की शादी में भी लगना था, जिसकी 1 माह बाद शादी होनी थी। पुलिस ने लगा दीन है आ कहने बस दो बार कही न खोल खोल, तीसरा में झट गोली मार दी। तीसरा में हम तो बड़ा बच्चा पे एड़ा के पड़ा, इतने गाड़ी दौड़ा लगा। ऐसे तो काय के संग भी ना हुए, मेरे बच्चा हूँ पढ़ा करियो। अलवर में 3 दिन पहले आयो, दिवाली की छुट्टी आयो 3 दिन पहले, तो भाई को फोन आयो दुकान से कुछ तो मैं तगादा में जानो और कुछ मेरे बुखार से भर रहा, भाई आरिफ तो दुकान पे आ जा। तो वो दुकान पे गयो तो जम से तगादा वगादो करके अपना घर आ गो। वह बुखार से बन रहो जो बड़े भाई दुकान पर रह करियो तो वो आरो दुकान बंद करके नहीं। और जब ऐसे ऐसे तो काय संग ना हुए, मेरे बच्चा निधुअक थाना तहसील में देखो कोई वाकी बात हुए, मेरे बच्चा ऐसे मार दो जैसे कुत्ता बिल्ली मार दिया। हम जिस आरिफ प्रकरण की बात कर रहे हैं ये वही गोलीकांड है जिसे टपुगड़ा पुलिस ने आरिफ का पीछा करते समय घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। गोली लगने से आरिफ ने अपने परिवार के सामने ही दम तोड़ दिया था। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने व भिवाड़ी आई राजस्थान मुख्यमंत्री का परिवार वालों से नहीं मिलने पर लोगों में रोष व्याप्त है। महापंचायत हिंसक रूप धारण ना कर ले इसके लिए पूरा नौगांव छावनी में तब्दील किया हुआ था। ऐसी घटना मैंने कभी देखी नहीं जिसमें निर्दोष नौजवान को बिना कोई कारण के AK-47 जाके मार दो और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और फिर इस तरह का करवाओ झूठा परिवार के ऊपर, गांव वालों के ऊपर। तो झूठ आधारित अगर ये फैसले होंगे और झूठ आधारित अगर इस तरह से होंगे तो सरकार इसका नतीजा भुगतेगी, क्योंकि उससे और हौसले बढ़ेंगे और जगह जिलों के अंदर पुलिस के लोगों के बढ़ेंगे जो इस नेचर के हैं। ऐसी घटना और भी हो सकती है, ये सरकार के हित में भी नहीं है। जिस रूप में सरकार इसको ले रही है लाइटली, मुख्यमंत्री यहाँ आई है तो मिली नहीं परिवार से और उसके बाद में परिवार वालों को बुला लिया एयरपोर्ट पर भी मार से नहीं मिली है, बिना मिले हुए मुख्यमंत्री महोदय चली गई यहाँ से। आप कल्पना कीजिए अगर माँ की बात सुन लेती, हो सकता है कि मुख्यमंत्री इंसान है, वसुंधरा राजे खुद इंसान है, हो सकता है कि माँ की आंसू देख करके जो हकीकत समझ करके एक वास्तविकता क्या हुई है, हो सकता है वो फैसला जो कर सकती थी वो फैसला नहीं कर पाएगी, वो उसको पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है।
सर पार्टी का तो ये जो स्थिति होती है जिस प्रकार उनको मिलाना चाहिए था प्रशासन प्रशासन निकम्मा साबित हुआ। उनको मिलाना चाहिए था मुख्यमंत्री, उनको कहना चाहिए था हमने आपकी विजिट भविष्य में इस प्रकार की तिजारा के सिंधी समाज द्वारा संत कंवर राम हरि मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से 5 नवंबर को शोभा यात्रा या सम्मान समारोह स्थापना भजन संध्या का आयोजन किया गया था। तिजारा के सिंधी समाज द्वारा संत कंवर राम हरि मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पूर्व 5 नवंबर को शोभा यात्रा सम्मान समारोह भजन संध्या का आयोजन किया गया था। 6 नवंबर को हवन पूजन मूर्ति स्थापना की गई। मंदिर में साईं सवर राम दास जी, साईं कंवर राम जी, फूले लाल साहिब, बाबा हरदास राम जी व साईं बाबा साहब सिरडी वाले इत्यादि की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। हमने एक तो साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की है और सच्चे साईं सतनाम दास साहब की स्थापना की है, संत कंवरराम साहब की स्थापना की है, बाबा हरदास राम साहब जी की स्थापना की है और बाबा झूलेलाल साहब की स्थापना की है। इन मूर्तियों के उपलक्ष्य में हमने शाम को झांकी प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें मंत्री लोग भी यहाँ पे आए, ज्ञानदेव औजा जी साहब भी आए और अपने भिवाड़ी मोड़ से अपने साहब मतलब जसवंत जी दाइमा और संजय जी लाभा के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उद्योगपति लोग भी यहाँ पे आए और उन्होंने आके यहाँ पे हमारे समारोह में हमने उनका सम्मान भी किया और हमारे समाज के प्रोग्राम में उन्होंने अपना योगदान दिया। हमारे मंदिर में हवन यज्ञ हो रहा है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कौन कौन से भगवान की मूर्ति? हमारे भगवान सिंध के मतलब भगवान झूलेलाल जी इष्ट देव हमारे सिंधी समाज के जी, और संत कंवर राम साहब जी, संत सतराम दास साहब और बाबा हरदास राम साहब जी और साईं बाबा जी की मूर्ति की स्थापना। ये हमारे मतलब पुरानी प्रथा चली हुई आ रही है, हमारे संतों ने मतलब धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिए थे, खूब इन्होंने कष्ट सहन किए थे तो उनके कदमों पे हम तो समाज से कहते हैं सब उनके कदमों पे चलें, धर्म में आस्था रखें। खैरतल कस्बे में गुरु नानक जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। खैरतल कस्बे में आज श्री गुरु नानक जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई जिसमें प्रातः प्रभात फेरी उसके बाद पाठ साहिब की अरदास के बाद कीर्तन समागम किया गया। उपरांत गुरु का अटूट लंगर का आयोजन प्रत्येक कस्बे के गुरुद्वारे में चला। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो या फिर सड़क और गंदगी की, कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी बताएंगे भी। रस्ते की है या नाइट की है? जो गंदा पानी था उसकी निकास करना चले गए, आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गंगा स्नान पर तिजारा के सूरजमुखी आश्रम में मेले का आयोजन हुआ। यहाँ पर बने कुंड में लोगों ने स्नान कर गंगा स्नान पर्व मनाया। गंगा स्नान पर्व पर तिजारा के सूरजमुखी आश्रम पर मेले का आयोजन हुआ। यहाँ पर बने कुंड में लोगों ने स्नान कर गंगा स्नान पर्व मनाया। सूरजमुखी आश्रम में मेले के आयोजन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें राजकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं ने श्रमदान किया। इस अवसर पर रागनी कंपटीशन का आयोजन भी किया गया जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, साथ ही बच्चों ने पानी के कुंड में अठखेलियां की। करती हूँ कि लोग सजग हों क्योंकि ये कुंड अभी 10 दिन तक पहले पूर्णिमा और
और कार्तिक स्नान बहुत बड़ा महापर्व है। और एक बहुत बड़ी बात आज है कि आज गुरु नानक जयंती भी है। ये तीन दुर्लभ दिन आज बड़ा कई वर्षों में आज का दिन आया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बाबा भरतरी ने जो 12 वर्ष तक तपस्या की और कहते हैं कि जिन्होंने गूलर के पेड़ के नीचे चिमटा मारकर माँ गंगा को जो प्रकट किया था, आज वो अविरल बहती रही और उसमें आज स्नान करके सब पापों को अपने धोते हैं। कहते हैं कि गंगा पाप विनाशिनी काल विनाशिनी है, उस में स्नान करके आज जो भी हमने पाप किए हैं और शुभ कर्म की ओर बढ़ते हैं, आज हमने कहते हैं कि आज जो जब तक हमारे साथ काम बुरे हो चुके हैं वो सब इस स्नान के साथ समाप्त हो जाएं। हमारे सूर्यमुखी हमारे तो है ही, चारों तरफ के जो जितने भी विकास कर रहे हैं सारे ही आते हैं, नागरिक का भी आयोजन हुआ है और भंडारे का भी है, इसके अलावा व्यवस्था चली पड़ी है, प्रशासन का भी सही हो गया और ये अच्छा है। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर भिंडूसी के पास माजरी कला मोड़ पर शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर भिंडूसी के पास माजरी कला मोड़ पर शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। बाइक चालक के साथ एक बच्चा भी था, दोनों को हल्की चोटें आई हैं जिनका उपचार तिजारा के सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि बाइक सवार नशे में धुत था। वहीं समाज सेवी हीरालाल सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं तो वही दुर्घटना का शिकार होते हैं। मोबाइल पर बात करते समय हेलमेट ना पहनने से सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आ जाते प्रशासन के ऊपर, अपनी गलती को तो देखते नहीं है, खुद दारू पी करके चलाते हैं, गाड़ियां तेज स्पीड में चल रही है, साइड का ये ध्यान देते नहीं है, मोबाइल पर बातें करते चलते हैं, हेलमेट लगाते नहीं है, और क्या इनकी जो जिम्मेवारी तो अपने समझते ही नहीं लोग। अगर अपने नियमों का पालन करो, जितना भी हो सके हेलमेट लगा के चलो, जितना भी हो सके दारू कम पियो। और मोटरसाइकिल साथ में कौन कौन है? तो एक बच्चा हो। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नौगांव में हुई महापंचायत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। लोगों ने मनाई गुरु नानक जयंती, भगत सिंह कॉलोनी गुरुद्वारे में चला लंगर। तिजारा मंदिर में हुई मूर्ति स्थापना, स्थापना के बाद हुआ विशाल भंडारा। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।